नमस्कार दोस्तों, रोहित स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए उपकरण और उससे संबंधित कार्य के बारे में ट्रिक लाया हूं, जो एक ही बार में बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो मेरे वीडियो के साथ आप अंत तक जरूर बने रहें। तो बढ़ता हूं प्रश्न की तरफ। प्रश्न एक, स्टेथोस्कोप हृदय और फेफड़े की गति सुनना। इसको हम ऐसे ध्यान में रखेंगे, ये जो स्कोप है ना, ये स्कोप आपको इस बात का एहसास करा रहा है कि सुनने वाला कोई चीज़ हो। स्कोप जैसे कि बायोस्कोप, इससे आपको एहसास हो जाएगा कि स्टेथोस्कोप से आप पकड़ लोगे कि हृदय और फेफड़े की गति सुनने वाला यंत्र है। प्रश्न दो, कार्डियोग्राम हृदय गति की जांच। ये कार्डियोग्राम, ये जो यंत्र है ये कार्डियोग्राम ही है, इसे आप ध्यान में रख लेना, कार्डियोग्राम से हृदय गति की जांच यंत्र है। प्रश्न तीन, हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व का माप। इसे हम ऐसे ध्यान में रखेंगे, ये जो हाई है, हाई माने ऊपर होता है, और ये जो द्रव है, मतलब द्रव माने खोलने वाला चीज़ होता है, और इसे हम ऐसे ध्यान में रखेंगे, ये जो द्रव है, द्रव माने जो कोई भी चीज़ होता है उसे हम ड्रॉ में रख देते हैं तो उसका घनत्व जो है कि बढ़ जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हाइड्रोमीटर माने द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, इसे आपको ध्यान में रहेगा। अब दोस्तों देखो, ये हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, इसी में लोग कंफ्यूजन होते हैं, इसके लिए मैंने दोनों साथ में ही रखा है। प्रश्न चार, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप। इसे हम ऐसे ध्यान में रखेंगे कि हाई माने ऊपर होता है और ग्रो माने विकास करना होता है, अर्थात ऊपर यानी वायुमंडल में जो कुछ विकास करता है उसकी आर्द्रता बढ़ जाती है, इसे हमें ध्यान में रहेगा, हाइग्रोमीटर माने वायुमंडल की आर्द्रता की माप। प्रश्न पाँच, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब की माप। इसे हम ऐसे ध्यान में रखेंगे, वायुमंडल में जो है बार बार हवा चलता है, बार बार से बैरोमीटर, और बार बार हवा चलता है इसलिए उसका दाब बढ़ जाता है, तो बैरोमीटर से हमें ध्यान में रहेगा कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। प्रश्न छः, पौधों की जड़ों के दाब की माप। इसे हम ऐसे ध्यान में रखेंगे कि मैंने पौधे के जड़ों की दाब को माप लिया, इसे मैनोमीटर याद रहेगा। प्रश्न सात, रेन गेज माने वर्षा का मापक। दोस्तों आपको बता दूं कि जो मीटर होता है उससे दूरी मापा जाता है, और जो गेज होता है उससे मोटाई मापा जाता है, जैसे तार को गेज में मापा जाता है, उसी तरह से ये आपको ध्यान में रहेगा कि वर्षा का माप भी गेज में किया जाता है। तो जो रेन माने वर्षा होता है, रेन गेज माने वर्षा का मापक होता है, ये आपको आसानी से याद रहेगा। प्रश्न आठ, रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता की माप। इसे हम ऐसे ध्यान में रखेंगे, ये जो रिक्टर है, रिक्टर हम इसे रिक्त कर देते हैं, रिक्त आपने किताब में पढ़ा होगा ना, रिक्त स्थान को भरें, अर्थात रिक्त माने खाली स्थान। जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से जगह जगह फट जाता है, स्थान खाली हो जाता है, इसे आपको ध्यान रहेगा, रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता की माप। प्रश्न नौ, सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र। दोस्तों ये ग्राफ है, ग्राफ से आपको याद रहेगा कि भूकंप की माप की जाती है, ग्राफ से भूकंप की माप की जाती है। प्रश्न दस, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता की माप। दोस्तों इसे ऐसे ध्यान में रखेंगे, जो दूध होता है उसे हम लीटर में नापते हैं, लीटर से लैक्टोमीटर याद रहेगा। प्रश्न ग्यारह, फायदोमीटर समुद्र की गहराई की माप। समुद्र की गहराई हम किसी फायदे के लिए ही नापते हैं, जो हमें फायदा होता है तभी हम समुद्र की गहराई को मापते हैं, अर्थात फायदे से फायदोमीटर ये याद रहेगा। प्रश्न 12, एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति की माप। इसको ऐसे ध्यान में रखेंगे, एनीमोमीटर यानी एनी मूवमेंट, यानी किसी भी समय हवा चलने लगता है, इसीलिए एनीमोमीटर से हवा की शक्ति तथा गति की माप की जाती है, एनीमोमीटर से हवा की गति तथा शक्ति की माप। प्रश्न 12, सेक्स टेंट माने दो वस्तुओं के कोड़ी दूरी की माप। इसको जैसे कि हम टेंट रख देते हैं, टेंट टेंट को आपको देख के आभास हो रहा है कि दो वस्तुओं की कोड़ी दूरी की माप, सेक्स टेंट याद आसानी से हो जाएगा। आमीटर
माने विद्युत धारा की माप, इसे हम कैसे ध्यान में रखेंगे। जैसे विद्युत, विद्युत माने लाइट होता है। जैसे क्या होता है कि लाइट आ जाता है तो बच्चे लोग कहते हैं आ गई, आ से आ मीटर, ये ध्यान में रहेगा। प्रश्न 15, ओडियोमीटर माने पहियों द्वारा तय की गई दूरी, इसे हम ऐसे ध्यान में रखेंगे। जब हम पहिए द्वारा चलते हैं तो जैसे वो पहिया अपना छाप छोड़ते जाता है, यानी उसे ढकते हुए जाता है, ओढ़ लेता है, उड़ने से ओडोमीटर। आपको आसानी से याद हो जाएगा, ओडोमीटर माने पहियों द्वारा तय की गई दूरी। प्रश्न 16, क्रिस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि की माप, हम इसको ऐसे ध्यान में रखते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है, इस पर हम क्रॉस कर दे रहे हैं, इसे आपको आसानी से याद हो जाएगा, पौधे की वृद्धि की माप। प्रश्न 17, टेकोमीटर वायुयान की गति की माप में, इसको ऐसे ध्यान में रख लेते हैं कि जैसे कि कोई आदमी कहता है कि मैं फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, तो उसे कहते हैं कैसे, फ्लाइट टेकअप करने जा रहा हूँ, टेक्सो टेकोमीटर, आपको आसानी से याद रहेगा। प्रश्न 18, स्फिग्मोमैनोमीटर रक्त दाब की माप, ये देख रहे हो कि बीपी नापने का मशीन है, तो इसे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि स्फिग्मोमैनोमीटर बीपी नापने का मशीन है, ब्लड प्रेशर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो है सभी जीवधारियों के दांतों की संख्या, मैं उस पर एक वीडियो और ला रहा हूँ, तो अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलता हूँ, जय हिंद।